2 अक्टूबर, एक ऐसा दिन जिसे आप सब गांधी जयंती के तौर पे जानते हैं। पर क्या आपको पता है, इसी दिन जन्म हुआ था एक ऐसे प्रधानमंत्री का जिन्होंने भारत की बागडोर एक ऐसे युद्ध के दौरान संभाली जिसने भारत के वीर सैनिकों को पूरे विश्व में प्रख्याति दी और उनके प्रयासों बलिदानों को स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास के पन्नों में रेखांकित किया। एक ऐसा युद्ध जिसने मेजर रंजीत दयाल, अब्दुल हमीद, एबी तारापोरे जैसे महारथियों के पराक्रम का लोहा पूरे देश और दुनिया में मनवाया। आज डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन याद कर रहा है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 116वीं जयंती पर और उनके नेतृत्व में लड़े गए 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। 1962 में भारत ने चाइना के साथ एक मुश्किल युद्ध लड़ा। वो दौर था भारत के डिफेंस सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन का। 1962 के युद्ध के बाद ही भारत ने अपने रक्षा बजट को अपनी अर्थव्यवस्था में एक खास स्थान में दिया। वहीं 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत में एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मतभेद की खबरें बाहर आ रही थी और ऐसे वक्त में भारत के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ भारत उस वक्त एक इकोनॉमिकल क्राइसिस से भी जूझ रहा था। पाकिस्तान का भारत के ऊपर हमला करने की हिम्मत का कारण अमरीकी सपोर्ट भी था। कोल्ड वॉर के कारण 50 के दशक में पाकिस्तान अमरीका का काफ़ी अच्छा दोस्त था। अमरीका पाकिस्तान को सोवियत यूनियन से बचने के लिए काफ़ी नए तकनीक वाले रक्षा उपकरण दे रहा था और पाकिस्तान इसी वहम में था कि अमरीका से मिलने वाले उपकरणों के दम पे वो भारत को हरा सकता है और कश्मीर के मुद्दे को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। पर पाकिस्तान शायद ये भूल गया था कि उपकरण तो सिर्फ युद्ध का एक हिस्सा है, असल मायने तो योद्धाओं, रणनीतियों और उन उपकरणों का किस तरह से प्रयोग किया जाता है उसका होता है। सबसे पहले 1965 में कच्छ के रण में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई थी और उसका कारण था सीमा विवाद। पर अंत में दोनों देशों ने बातचीत करने का निर्णय किया और भारत का बातचीत के लिए मान जाने के निर्णय से पाकिस्तान को लगा कि भारत के ऊपर थोड़ा सा भी दबाव डालने के बाद किसी भी मुद्दे पर बातचीत संभव है। और इसी सोच के साथ 1965 में शुरू हुआ पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर। इसका मुख्य उद्देश्य था कश्मीरी लोगों के बीच तनाव पैदा करना और उस वक्त की भारत की सरकार के खिलाफ उनको भड़काना। इसके लिए पाकिस्तान ने अपने पैरा ट्रूपर्स और स्पेशल फोर्सेस को कश्मीर वैली में उतारना चालू किया। साथ ही साथ सीज फायर लाइन, जो आज के वक्त LOC है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा घुसपैठ करानी चाहिए। जवाबी कार्यवाही में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन बख्शी चालू किया जिसका नेतृत्व मेजर रंजीत दयाल ने किया, जिसमें उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर में हाजी पीर पास को जीत लिया, जिसके लिए उन्हें बाद में महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया। इसके फेल होने के बाद पाकिस्तान ने मिशन ग्रैंड स्लैम को चालू किया और इसका उद्देश्य था अखनूर को कैप्चर करना। और अखनूर को हासिल करने का मुख्य मकसद था कश्मीर घाटी तक पहुंचना और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना। पर भारतीय सैनिकों ने इस बार भी पूरी दमखम के साथ ये जंग लड़ी और पाकिस्तान के अखनूर को कब्जाने के सपने को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान ने अपनी पूरी सैन्य ताकत कश्मीर में झोंक रखी थी। तभी हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी को अलग थलग करने के लिए एक काउंटर ऑपरेशन चालू किया और इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था लाहौर तक पहुंचना। भारतीय सैनिकों ने पूरे जज्बे के साथ पंजाब बॉर्डर पर हमला किया और बरकी को जीत लिया। बरकी वही कस्बा है जिससे होती हुई सड़क लाहौर तक पहुंचती है। बरकी को जीतने के बाद भारत ने बरकी पुलिस स्टेशन में तिरंगा फहराया और इस तिरंगे के तेज से निकलती गर्मी को पाकिस्तान सह नहीं पाया और हड़बड़ाहट में पंजाब के खेमकरण में हमला कर बैठा। इसके बाद उनका उद्देश्य अमृतसर तक पहुंचना था। इसके जवाब में भारत ने मिशन असल उत्तर लॉन्च किया। पाकिस्तान के पास अच्छी तकनीक वाले टैंक्स होने के बावजूद भारत ने पाकिस्तान के कई सारे टैंक्स तबाह किए और CQMH अब्दुल हमीद ने तो अपनी 106 रिकॉयललेस गन से ही न जाने पाकिस्तान के कितने टैंकों को तबाह किया, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। एक और लड़ाई हुई पाकिस्तान के सियालकोट के एक छोटे से कस्बे फिलौरा में, जहाँ पे World War II के बाद सबसे ज़्यादा टैंक्स का प्रयोग हुआ। इस लड़ाई में पाकिस्तान के टेक्निकली एडवांस पैटर्न टैंक्स का प्रयोग हुआ, जबकि भारत के पास पुराने शर्मन टैंक्स थे। पर फिर भी बेहतर रणनीति की वजह से भारत की विजय हुई और इसमें पूना हाउस रेजिमेंट को लीड किया लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोर ने, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। ये युद्ध लगभग 22 दिन चला
अमेरिका और सोवियत यूनियन के कई प्रयासों के बाद 22 सितंबर 1965 में सीज फायर घोषित कर दिया गया। इंडिपेंडेंट सोर्सेज की माने तो साफ तौर पे इस युद्ध में पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ, और ये भी कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान युद्ध एक महीने तक और लड़ लेता तो पाकिस्तान का सारा एम्यूनेशन ख़त्म होने की कगार पे आ जाता। बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो कई लोग उन्हें 10 जनवरी 1966 में हुए ताशकंद समझौते में हाजीपीर पास लौटाने के लिए गलत ठहराते हैं, पर इसके अलावा शास्त्री जी ने एक बहुत मजबूत नेता की तरह इस पूरी परिस्थिति को संभाला और हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में और उनको ये भरोसा दिलाने में कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, इस बात में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस युद्ध की सबसे बड़ी सीख यही थी कि हो सकता है कि आपके दुश्मन के पास बेहतर उपकरण हो, पर उपकरण कभी इंसानी काबिलियत और अनुभव से पार नहीं पा सकते। कैसी लगी आपको डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन की नई सीरीज, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ भारत की इस गौरवशाली गाथा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को।